ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। क्या आप भी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? आपके जीवन में नवाबों जैसा ठाट आए और पैसे के लिए कभी आपको परेशान ना होना पड़े और आपका कोई भी काम ना रुके, तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चलती रहती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में पैसा नहीं आ पाता, और अगर थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है, वो पैसा आपके हाथ में टिक नहीं पाता, क्या वजह होती है कि हम मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों बनी रहती हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टोटका जिसको करने के बाद आपकी लाइफ से पैसे की समस्या हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। अगर आप भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस इन सब को पाना चाहते हैं और बहुत कम मेहनत में पाना चाहते हैं, तो आपको आज की जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। अक्सर कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जिनकी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कई बार हमें मेहनत करने का उतना फल नहीं मिल पाता जितने के हम हकदार होते हैं। ऐसा होता है हमारे कमजोर भाग्य के कारण। कई बार हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन भाग्य के कारण हमारी जीवन की बहुत सारी कमियां उजागर होने लगती हैं। अगर आप भी इसी समस्या को फेस कर रहे हैं, लाइफ में पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ में आप सक्सेस नहीं मिल रही है, हर चीज आपने करके देख ली, लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा काम नहीं बन पा रहा है जो जीवन में आपको आगे लेकर जा सके, आज मैं आपको केवल एक छोटा सा टोटका बताने वाला हूं। और यकीन मानिए, मैं आपको बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन आपने इस कार्य को करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। शास्त्रों में बहुत से ऐसे उपाय, बहुत से ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने पर कोई एक साधारण मनुष्य भी राजा जैसा जीवन, नवाबों जैसा जीवन जी सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपकी हर एक बात का उत्तर मिलेगा, आपको अपनी लाइफ की जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। आज मैं बड़े मेहनत से और बड़े विश्वास से ये बात आपको कह रहा हूं। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, एपिसोड का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि सुबह उठकर बिना नहाए लोटा जल डाल दे, यहां गाड़ी, बंगला, बैलेंस सब कुछ होगा। जी हाँ, आपके पास होगा, आपकी देखते ही देखते किस्मत बदल जाएगी। प्यारे बंधुजनों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ कई बार चल रही होती हैं, ग्रहों की लगा लीजिए, या हमारे ही कुछ किए हुए अनजाने में कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं जो लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और आज का जो ये टोटका मैं आपको बताने वाला हूं, ये टोटका आपको उन सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा जो आपसे अनजाने में हुए हैं, या पूर्व जन्म का आपका कोई ऐसा
ऋण है जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण इस जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रही हैं, या ऐसा कोई भी दोष आपकी कुंडली में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो सभी दोष आपके समाप्त होंगे इस कार्य को करने से। और जिस दिन से ये दोष आपकी कुंडली से निकल गए, उस दिन थोड़ी सी मेहनत भी अगर आप करोगे, उसी मेहनत का कई गुना ज्यादा फल आपको मिलने लग जाएगा। आपको कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, और जिस टारगेट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। प्यारे बंधुजनों, आपने सुबह उठकर बिना नहाए ही इस काम को करना है। अब करना क्या है उसे आप ध्यान से सुने। रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख लें, और सुबह उठना है बिना नहाए। उस तांबे के लोटे के जल को, जो सिरहाने आपने रखा हुआ था, किसी भी फल वाले पेड़, अमरूद, जामुन, अन्य कोई, उस पेड़ की जड़ में उस जल को आपने डाल देना है, और लगातार इस कार्य को आपने करना है। कोई दिन का विचार नहीं है कि शुक्रवार को नहीं करना है, शनिवार को नहीं करना है। डेली इस उपाय को आप करें। ये उपाय नहीं है, एक ऐसा टोटका है जो आपकी लाइफ को बदल देगा। आपके जो परेशानियों भरे दिन चल रहे हैं, उनसे निकालकर आपको एक सुनहरे समय में लाकर खड़ा कर देगा। कभी परेशानियां आपके साथ जुड़ी होती थी, ये बात भी आप भूल जाओगे। इस उपाय को करते समय इस एक बात का ख्याल रखें, अपने मन में किसी भी तरह का डाउट ना रखें, किसी दूसरे के प्रति कोई बुरे ख्याल ना लेकर आएं। सच्चे मन से और पूर्ण सात्विक होकर शुद्ध भाव से इस उपाय को करना शुरू कर दें। इस उपाय को स्टार्ट आपने करना है मंगलवार से, इस बात का ख्याल रखने, अर्थात सोमवार की शाम को सोते समय जल भर कर रख लें, मंगलवार को से सुबह फल वाले पेड़ की जड़ में डाल दें, उसके बाद से लगातार इस उपाय को आप करते रहें। जय माता की।